आदिल खान दुर्रानी ने राखी सावंत पर इल्जाम लगाया था कि राखी ने अपनी माँ के निधन वाले दिन भी बिरयानी खाई थी और मजे लिए थे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राखी सावंत एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में राखी सावंत दावा करती है कि उस साड़ी को पहन करके तो मैंने कई बार खाना भी खाया है और गाना भी गाया है। ऐसे में कैसे आदिल खान दुर्रानी ये दावा कर सकते हैं कि जो वीडियो वो दिखा रहे हैं वो वीडियो उनके माँ के निधन वाले दिन की ही है। इन दोनों के बीच में अभी खींचातानी जारी ही थी, आरोप प्रत्यारोप लगाए ही जा रहे थे कि राजश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजश्री ने भी इस बात को कबूल किया कि जिस दिन उनकी मां का निधन हुआ था उस दिन न केवल चिकन बिरयानी आई थी बल्कि कई और खाने आए थे। वो खाना जो उस वक्त इस तरीके की घटनाओं में नहीं खाए जाते हैं वो तमाम खाने और राखी सावंत के कहने पर आए थे और राखी सावंत ने खुद चिकन बिरयानी उस दिन खाई थी जब उनकी मां को मोर्चरी में रखा गया था। ये दावा ये साबित करता है कि आदिल खान दुर्रानी ने जो आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं आरोप सच्चे हैं और राजश्री भी आदिल खान दुर्रानी के इस दावे में सपोर्ट कर रही हैं। उस दिन तीनों ने बिरयानी भी खाई थी और कई और चीज़ें भी मंगवा करके खाई थी। राजश्री ने खुद बताया कि जब उनकी मां का देहांत हुआ और जब उनकी मां के शव को मॉर्चरी में ले जाया जा रहा था उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा भूखे थे। हालांकि वो इस तरीके के खाना नहीं खाना चाहते थे, वो इस तरीके के खाने को मना कर रहे थे लेकिन राखी सावंत के कहने पर ही खाना मंगवाया गया और ये तमाम जो चीज़ें हैं आदिल खान ने उसी वक्त रिकॉर्ड की थी जब मां के निधन पर राखी सावंत जबरन चिकन बिरयानी खा रही हैं और एकदम सामान्य व्यवहार कर रही हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये खुद अब राजश्री ने खुलासे किए और इस खुलासे के बाद अब लोग कहीं ना कहीं आदिल खान के खिलाफ जो बात कर रहे थे वो अब आदिल खान के समर्थन में हैं और आदिल खान को अब लोगों का भारी संख्या में सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और राखी सावंत अब पूरी तरीके से इल्जामों से घिर चुकी हैं।